खंभे से लेके सर यहाँ क्या करोगे अभी तो यहाँ किस एरिया कौन से अधिकारी आए थे क्या मामला कमिश्नर साहब आए थे और पोखरा देखने के उद्देश्य से आए थे तालाब वो जो अतिक्रमण होता है यहाँ तो देखा गया कि आपको काफ़ी पड़ताल भी लगा रहे थे कि आपने डुबडुबी पिटवाई थी कि कमिश्नर आने वाले हैं तो आपको आखिर सूचना कहाँ से ब्यू साहब के माध्यम से सूचना मिली क्या बोले नहीं कमिश्नर साहब आएंगे क्या बोले कमिश्नर साहब का प्रोग्राम है यहाँ कहाँ तालाब पे एक दिन पहले कब सूचना दिए थे हमको रात को सूचना मिली थी क्या कहे थे वीडियो साहब इधर कमिश्नर साहब आ रहे हैं यहाँ क्या कर लो गांव में डुबडुबी पिटवा दो तो क्या क्या आपने तैयारियां कर रखी थी कमिश्नर साहब कहने के लिए सर वो पोखरा तालाब दिखाने के लिए जो तैयारी किए थे सर कैसे पोखरे पर अतिक्रमण हो रहा था पोखरा पहले से ग्राम सभा के नाम से था जो भू माफियाओं ने पहले उसको काबिज कर लिया था फिर जैन साहब के निर्देशानुसार वो खारिज हुआ उस पर काम कराया जा रहा है तो पुलिस द्वारा बार बार रोका गया था इस उद्देश्य से मतलब जब आप कमिश्नर साहब कह रहे थे कि डुगडुगी को पिटवा दिए किसके कहने से तो आपने कहा नहीं कि वीडियो साहब के कहने से जी सर हम नहीं बता पाए कौन है वीडियो क्या नाम है उनका नाम तो नहीं बता सकते हैं सर अशोक कुमार हैं वीडियो अशोक इसी शिकायत पे आए थे कि अशोक कुमार वीडियो साहब का नाम क्या है अशोक कुमार इसी शिकायत पे आए थे कि पोखरे पर अतिक्रमण हो रहा है उसको देखा जाए जी कमिश्नर साहब जी जी किस शिकायत पे आए थे अब शिकायत तो डीएम साहब भी आए थे उनका जैसे प्रोग्राम लगा हो सर क्या मानने कमिश्नर आने के बाद कमिश्नर साहब के आने के बाद देखिए मौके पे आगे कुछ निस्तारण निकलेगा उसका निस्तारण निकलेगा कमिश्नर साहब के